स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन के संबंध में मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 12 मई से 27 मई तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगे। यह दवा निःशुल्क जन समुदाय को खिलाई जाएगी और इसका सेवन 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को छोड़कर सभी को कराना होगा। जनपद में डीईसी और एल्पेंडाजोल नामक दवा की डोज उम्र के अनुसार दी जाएगी और स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही दवा को खाना आवश्यक होगा। दवा खाने से शरीर में परजीवी मरते हैं तो कई बार सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बदन में चकत्ते और खुजली जैसे रिएक्शन देखने को मिलती है तथा इससे घबराना नहीं चाहिए और यह आम तौर पर ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दवा खिलाने के लिए प्रत्येक टीम 25 घरों में जाकर दवा खिलाएगी। जनपद में हाथीपाव के 1500 मरीजों को मैनेजमेंट किट बांटा जाना है, इसमें 673 लोगों को किट बांटे जा चुके हैं। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर बीपी पांडे, एडीएमओ सीपी मिश्रा, डीपीएम पंकज आनंद, सुरेश सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, उसके बाद हमें खुला सत्र करेंगे जिसमें आपके सवाल आएंगे और जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को विभिन्न और फाइलेरिया सारी चीज़ों को लेकर हम सभी को संबोधित करें। रोशनी दिखा रहा हूं, मीडिया जो है हर तरफ उसकी उपयोगिता आज हर पैमाने पर, अगर हम यहाँ से न जोड़े, अगर हम इसको साहित्य से ले करके पुरातन से जोड़े तो बिना मीडिया के कुछ नहीं हुआ करता। पहले जब हमारे पास संवाद के साधन नहीं थे तो हमें दूसरे को एक दूसरे स्थान पर भेज कर फिर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे और ये हम लोगों का ये सौभाग्य है कि मीडिया जैसा एक क्षेत्र डेवलप हुआ जिसमें हम लोग जो है थोड़े से समय अंतराल पर अपने पूरे ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं और इसको हमेशा नकारात्मक नहीं देखते। जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि ज़्यादातर अधिकारी मीडिया को नकारात्मक भाव में लेते हैं, मैं इसे उनकी अनभिज्ञता और उनकी अज्ञानता ही कहता हूँ। मीडिया जो होती है वो पथ प्रदर्शक का काम करता है, वो समाज का दर्पण होता है, वो कम से कम सही समय पर आपको एक भाषा में कहते हैं कि चेता देता है, आप अगर संभल जाइए निश्चित तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं होता, तमाम तरह की कमियां होती हैं, जो समाज की कमियां होती हैं उसको लेखनी उजागर करती है और इस उजागर के कारण में कई बार जो उपहास का भी कारण होती है, लेकिन ये जो लोग लेते हैं ये उन्हीं की कमी को मैं मानता हूँ। मीडिया एक सम्मानित क्षेत्र है और आजकल के तंत्र में बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति जो सूचनाएं नहीं संकलित करता, जो सूचनाओं को नहीं लेता, तब जुट जाया जाए तो संभवतः इसकी प्रत्येक पंक्तियों पर, प्रत्येक शब्दों पर जो है पूरा दिन लग जाएगा, तभी भी पूरा नहीं हो सकता। मीडिया जो है तो समाज की चीजें जो सभी लोग छिपा ले जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि न दिखे, उस सब पूरे समाज को देखती है, जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है जिसमें देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर चलता है। तो सभी हमारे यहाँ पर जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सबका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सदैव ये कहता हूँ कि हम लोग जो है जो भी हम लोग से कार्य करने में गलतियां निश्चित होती हैं, जो व्यक्ति कार्य करता है उसी से गलतियां होती हैं, जो कार्य नहीं करता है केवल उसी से गलतियां नहीं होती। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं तो आप निश्चित हमें बताइए, हम निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उससे पहले आपकी जो तृतीय स्लाइड है वो एक बार दिखाने सर, ये हमारा 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक एमडीए कार्यक्रम चलेगा, उसी कार्य के लिए जो है एक मीडिया की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमारे यहाँ 12 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा, ये बुधवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रम नहीं चलेगा। इसके तहत जो है हमारी आशाएँ, हमारी जो टीमें बनी हैं ये लगभग 4078 टीमें बनी हुई हैं, 815 सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं, लगभग 50 लाख की आबादी को हम कवर करेंगे। इसमें दवा जो होती है एल्बेंडाजॉल और डीसी खिलाई जाएगी, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएं और गंभीर रूप से पीड़ित
व्यक्तियों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। ये 2 साल से लेकर के 5 साल तक 1 टैबलेट डीसी की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खिलाया जाएगा। 5 साल से लेकर के 15 साल तक 2 टैबलेट डीसी और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खिलाया जाएगा और 15 साल से ऊपर तक की उम्र में 3 टैबलेट डीसी और इसको खिलाया जाएगा। इसके तहत जो है हमारी आशा गांव-गांव घर-घर में जाएगी। जो अपने रजिस्टर में पहले से अमुक-अमुक घर में कितने लोग हैं उनकी सूची बना रखी है, उनको अपने सामने दवा खिलाएगी। जो व्यक्ति दवा खाने से छूट जाएगा उनको निर्देशित करेगी वो आशा के घर से दवा आकर के खा जाए, या अन्यथा आशा जो है मॉप अप राउंड में पुनः जाकर के उसके घर रविवार का जो अवकाश का दिन होगा या शनिवार को जब वैक्सीनेशन के दिन जाएगी तब वो दवा उनको खिला देगी। जनता से मैं ये अपील यही करना चाहता हूँ कि गाँव में जब हमारी आशा बहनें दवा खिलाने जाएं तो उनके सामने इस दवा को अवश्य खाइए। अगर आप इससे स्वस्थ रहेंगे तो इससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका देश प्रदेश स्वस्थ रहेगा।